झारखंड सरकार द्वारा लॉकडाउन 4 में छूट की घोषणा करते हुए सूबे में शराब की दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं। दुकानें खुलते ही लोगों की यहां भीड़ भी नजर आने लगी है। वहीं प्रदेश सरकार ने राजस्व वृद्धि का निर्णय लेते हुए इससे पहले नोटिफिकेशन जारी करते हुए शराब के दामों में 22% की वृद्धि की है। इसके बावजूद भी सुबह से ही शराब खरीदने के लिए लोग सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, इसके लिए पुलिस की तैनाती की गई है। दिल्ली में 2 किलोमीटर में एक दुकान होती है, हाँ। और 1 किलोमीटर में 4 दुकानें हैं, हाँ। इसके वजह से लोग सब लोग जहाँ तहाँ अपने एरिया जहाँ है वहाँ से ले लेंगे, इसको जहाँ सहूलियत हुआ चलते लेते। सवेरे का वक्त है तो लोग निकल भी ज्यादा, हाँ नहीं, अभी मौसम भी थोड़ा सा बारिश का किया हुआ है। हाँ तो ये बताइए कि दाम में कितनी बढ़ोतरी हुई? मौसम तो जो शौकीन 22.5% के आसपास का दाम का बढ़ोतरी हुआ। 22.5% के आसपास सरकार ने बढ़ाया है, सरकार ने बढ़ाई है। वहीं शराब खरीद कर लौट रहे लोगों के चेहरे पर इसकी खुशी भी साफ दिख रही थी। दामों में बढ़ोतरी को लेकर लोगों ने कहा, दामों में पहले की तुलना में 22% की बढ़ोतरी हुई है। क्या क्या खरीदा? एक शराब। क्या दाम में कितना बढ़ोतरी हुआ? दाम में तो 22% का। 22% पहले कितने में मिलता था, आप कितना में मिल रहा है? 600 रुपये में मिलता, अभी 760 रुपये लगा है। तो बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा, क्यों? क्या कीजिए सर, वैसा हो ही गया तो क्या होगा। हाँ लेकिन आज अच्छा लग रहा होगा, सुकून मिल रहा होगा सुबह सुबह। सर सुकून क्या है, बहुत दिन के बाद था तो सोचे कि थोड़ा सा दिया जाए। ये बहुत बिल्कुल मतलब राहत भरी खबर है क्या? हाँ बहुत बहुत, कोरोना में काफी मदद मिलेगा इससे, कोरोना में मदद मिलेगा। गौरतलब है कि उत्पाद सचिव विनय चौबे ने मंगलवार को ये साफ कर दिया कि 20 मई बुधवार को राज्य में शराब की दुकानें खुल जाएंगी। उन्होंने बताया कि लोग अपनी सुविधा अनुसार दुकान से ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। वहीं लाइन में लगने से बचने के लिए पहले ही ई टोकन लिया जा सकता है। होम डिलीवरी के लिए जोमेटो और स्विगी पर ऑर्डर कर सकते हैं। उत्पाद सचिव ने बताया कि शराब MRP पर नहीं मिलेगी। राजस्व बढ़ाने के लिए कस्टमर को शराब के लिए MRP से 20-22% ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष की रिपोर्ट।